सब्सक्राइब कीजिए प्रॉपर्टी फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट प्रॉपर्टी की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक इन प्रॉपर्टी फॉर यू, जहां आज आप देखेंगे 3 BHK इंडिविजुअल होम, जिसे बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। आज जो हाउस हम देखने वाले हैं वो आपको रायपुर के बहुत अच्छे लोकेशन पे मिल रहा है। ये एक TNC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिलता है। इस प्रोजेक्ट में आपको काफ़ी फैसिलिटी और एमिनिटीज़ मिलने वाली है। बहुत ही अच्छा वेल डेवलप्ड सोसाइटी आपको मिल रहा है, तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाले प्रोजेक्ट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको यहाँ काफ़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें मिलने वाली है, RCC की सड़कें आपको मिल रही है। एमिनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्लब हाउस, जिम, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रन प्ले एरिया, गार्डन और कम्युनिटी हॉल मिलती है। क्लब हाउस के जस्ट सामने आपको खूबसूरत सा गार्डन देखने को मिल जाता है। ओके, दिस इज आवर क्लब हाउस। तो अब हम चलते हैं अपने क्लब हाउस के अंदर और देखेंगे अपने क्लब हाउस में आपको क्या क्या एमिनिटीज मिल रही है। जैसे ही आप क्लब हाउस में एंटर करते हैं, आपको काफ़ी सुंदर सा लॉबी एरिया देखने को मिल जाता है, जिसे बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। और जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ आपको जिम देखने को मिलता है। आप देख रहे हैं सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, ओनली इसकी फिटिंग्स बची है। तो बहुत ही जल्द आपका जिम भी बन के रेडी होने वाला है। तो जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आपको आपका कम्युनिटी हॉल देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी स्पेसियस है। यहाँ आपको कुछ इंडोर गेम्स की अरेंजमेंट भी देखने को मिल जाती है और साथ ही आप यहाँ अपने कुछ छोटे गेट टुगेदर फंक्शंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्लब हाउस से लगा हुआ आपको स्विमिंग पूल देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको गार्डन विद चिल्ड्रन प्ले एरिया मिल जाता है। यहाँ बच्चों की खेलने की अरेंजमेंट की गई है और साथ ही काफ़ी बड़ा सा आपको यहाँ पे गार्डन भी देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं वीडियो में आसपास की सोसाइटी को, की जो कि काफ़ी अच्छी है। तो अब हम देखेंगे अपना हाउस, जिसका प्लॉट एरिया आपको 1500 स्क्वायर फीट मिल रहा है और फेसिंग ईस्ट मिलने वाली है। और जैसा आप देख रहे हैं, आपको घर के सामने काफ़ी चौड़ी रोड मिल रही है और आसपास की पूरी सोसाइटी डेवलप हो चुकी है और काफ़ी लोग यहाँ रहना भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो बात करूँ मैं इस घर के डिज़ाइन की, तो आपको ये थोड़ा सा यूनिक मिलने वाला है, क्योंकि इसके ग्राउंड फ्लोर में आपको 2 BHK देखने को मिलता है और इसके फर्स्ट फ्लोर में आपको कंप्लीट 1 BHK देखने को मिलेगा, जिसकी सीढ़ी आपको बाहर से मिलती है। तो चलिए अब चलते हैं हाउस के अंदर। और जैसे ही हम एंटर करते हैं, आपको काफ़ी स्पेसियस पार्किंग एरिया देखने को मिलता है, जहां अपनी कार इजीली पार्क कर सकते हैं। आपको स्पेस के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा आप देख रहे हैं, आपको साइड में गार्डनिंग के लिए एरिया छूटा हुआ दिख रहा है, आप यहाँ पर गार्डनिंग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने घर के अंदर। तो आपको मेन डोर में मॉस्किटो पैनल के साथ में मेन डोर देखने को मिल जाता है। हाउस में हम जैसे ही एंटर करते हैं, आपको काफ़ी स्पेसियस लिविंग एंड डाइनिंग एरिया देखने को मिलता है। और इस घर में आपको वेंटिलेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ आपको बड़ी बड़ी विंडोज़ देखने को मिल रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो ये अपना फर्स्ट बेडरूम है और यहाँ भी आपको काफ़ी बड़ी सी विंडो देखने को मिल रही है, तो फ्रेश एयर और नेचर लाइट की कमी नहीं होने वाली है। इस रूम से अटैच्ड आपको वॉशरूम भी मिलता है। वॉशरूम में आपको सारी फिटिंग्स मिल जाएंगी। तो जैसा आप देख रहे हैं, आपको वॉशरूम में सारी फिटिंग्स मिलने वाली है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। यहाँ भी आपको अटैच्ड वॉशरूम मिलने वाला है और स्पेस के मामले में आपको ये रूम काफ़ी स्पेसियस मिल रहा है और यहाँ भी वेंटिलेशन के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बड़ी सी विंडो आप देख सकते हैं।
इस रूम में भी अटैच्ड आपको वॉशरूम देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको सारी फिटिंग्स मिलने वाली है वॉशरूम के साथ में। डाइनिंग एरिया से लगा हुआ आपको वॉश बेसिन का अरेंजमेंट देखने को मिल जाता है। ओके गाइस, अब हम देखने वाले हैं हमारा किचन। तो आप देख सकते हैं, आपको किचन में भी वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ही यहाँ आपको फ्रिज रखने के लिए अलग से स्पेस बनाया गया है और साइड में रैक भी बनाया गया है। तो यहाँ आपको मार्बल का प्लेटफॉर्म देखने मिलता है और साथ ही स्टील सिंक की फिटिंग भी दी गई है। साथ ही किचन से लगा हुआ आपको यूटिलिटी एरिया देखने को मिलता है। तो अभी हमने देखा ग्राउंड फ्लोर का 2 BHK होम, अब हम देखने वाले हैं अपने फर्स्ट फ्लोर का कंप्लीट 1 BHK। तो चलिए अब चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर में। तो आप जैसे देख रहे हैं, सामने आपको बालकनी देखने को मिल जाती है। तो ये आपका बालकनी वाला एरिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ आपको स्टील की रेलिंग मिल जाती है जिसमें ग्लास की फिटिंग की गई है, जो कि इस घर के लुक को बहुत ही खूबसूरत बनाता है बाहर से। जैसा कि आप देख रहे हैं, एलिवेशन का वर्क बहुत ही खूबसूरत किया गया है, बाहर से घर का लुक काफ़ी अच्छा आता है। हम चलते हैं अपना 1 BHK देखते हैं, जो कि फर्स्ट फ्लोर में है। तो यह हमारा मेन डोर है और जैसे ही हम एंटर करते हैं, काफ़ी स्पेसियस हॉल देखने को मिलता है हमको। तो ये हमारा हॉल का एरिया है और यहाँ वेंटिलेशन के लिए आपको बड़ी सी 2 विंडो भी देखने को मिल जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको सामने में किचन दिखाई दे रहा है। यह किचन ओपन किचन के कॉन्सेप्ट में बनाया गया है। अब हम चलते हैं हमारे बेडरूम की तरफ। तो ये हमारा बेडरूम है। यहाँ भी आपको वेंटिलेशन के लिए प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ भी आपको बड़ी सी विंडो देखने को मिल जाती है। इस रूम से अटैच्ड आपको वॉशरूम मिलता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको वॉशरूम में सारी फिटिंग्स अवेलेबल मिल जाएंगी। तो ये हमारा बैक साइड का ओपन स्पेस है। यहीं से आपको टेरेस में जाने के लिए सीढ़ी भी मिलती है। ओपन स्पेस से लगा हुआ आपको स्टोर रूम भी बना के दिया गया है। और अगर आपको ये घर पसंद आया है और आप इसमें विजिट करना चाहते हैं या इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो फटाफट विजिट कीजिए और जल्दी से बुक करें। तो आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। और फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।